उत्पत्ति अध्याय 14 इब्राहिम के विजय और मेलकीसेदेक के दर्शन देने का वर्णन। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोरला ओमेर और गोइम के राजा तिलाद के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमूरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोरला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। सो 14वें वर्ष में कदोरला ओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत्कनम में रपाइयो और हाम में जुजियो और शाबे किरियातम में एमियो को और सेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंचाए। वहां से वे लौटकर एमनी शपात को आए जो कादेश भी कहलाता है और अमालिकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोनातमार में रहते थे। तब सदोम अमोरा अदमा सबोइम और बेला जो सोर भी कहलाता है इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदरलो उमेर, गोइम के राजा तिलाद, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे और सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्धकुशल निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोरला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मेलकीसेदेक जो परमप्रधान परमेश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परमप्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो और धन्य है परमप्रधान परमेश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा परमप्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनेर एशकोल और ममरे मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले।